महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी सरकार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। पीएम मोदी और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की मुलाकात के बाद कांग्रेस अलग सुर पकड़े हुए है। कांग्रेस अब महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ चुनाव नहीं लड़ना चाहती है। पार्टी ने खुले तौर पर इसका ऐलान भी कर दिया है। इसके बाद अब कांग्रेस के अंदर बैठकों का दौर शुरू हो गया है। बीते दिनों मुंबई कांग्रेस के तमाम पदाधिकारियों और कमेटियों की बैठक हुई है। महाराष्ट्र के कांग्रेस प्रभारी एचके पाटिल की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में सभी वरिष्ठ नेताओं ने बीएमसी का अगला चुनाव बिना किसी के साथ गठबंधन किए लड़ने पर जोर दिया है। सूत्रों की माने तो पाटिल ने कहा है कि गठबंधन के बारे में अंतिम फैसला कांग्रेस आलाकमान को लेना है। वहीं बैठक में शामिल सभी नेताओं ने साफ कहा है कि अगर कांग्रेस को मुंबई और महाराष्ट्र में टिके रहना है तो बीएमसी चुनाव के लिए लड़ना चाहिए। कांग्रेसी नेताओं ने पाटिल को ये भी समझाया कि मुंबई में अब तक कांग्रेस बीएमसी के चुनाव अकेले ही लड़ते आई है। इससे पहले महाराष्ट्र में गठबंधन में खटपट के बीच एनसीपी और कांग्रेस भी आमने सामने है। नाना पटोले के हाल के दिनों में दिए गए बयान पर एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने नाराजगी जताई है। पवार ने सीधे कांग्रेस से इस बार सवाल किया है। पवार ने साफ साफ कांग्रेस से पूछा है कि अगर कांग्रेस को अपने दम पर अकेले चुनाव लड़ना है तो बताए। वही विधानसभा अध्यक्ष के चुनाव को लेकर कांग्रेस के भीतर जारी असमंजस पर पवार ने कांग्रेस नेताओं को भरोसा दिलाया है कि विधानसभा अध्यक्ष कांग्रेस का ही होगा। कांग्रेस जिसे भी चाहे अपना उम्मीदवार बनाए। तीसरा मुद्दा महामंडलों के बंटवारे का था। इस पर कांग्रेस के नेताओं का कहना था कि सरकार बने 2 साल होने को आए लेकिन महामंडलों का वितरण अब तक नहीं हो पाया है। इसकी वजह से कार्यकर्ताओं में निराशा है। हालांकि इसके बाद पटोले ने एक बार फिर पलटवार किया है। पटोले ने कहा कि 2014 में कांग्रेस के साथ धोखा किया गया था और वो अब उसी को ध्यान में रखकर पार्टी 2024 के आम चुनाव की तैयारी कर रही है। हालांकि पटोले ने ये भी कहा कि उन्हें बीजेपी को टारगेट करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है, न एनसीपी और शिवसेना को। गौरतलब है कि कांग्रेस की ये नाराजगी महाअघाड़ी गठबंधन की सेहत के लिए ठीक नहीं है। वहीं बीएमसी चुनाव भी बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि कांग्रेस अलग चुनाव लड़ती है तो शिवसेना एनसीपी को भी टारगेट करेगी। लिहाजा महाविकास अघाड़ी गठबंधन में तकरार बढ़ेगा और इसका सीधा असर उद्धव ठाकरे की कुर्सी पर पड़ेगा। वहीं कांग्रेस की चाल को शिवसेना भी समझ रही है और उसने भी बीजेपी के साथ अपनी नजदीकियां बढ़ानी शुरू कर दी है। कुल मिलाकर देखा जाए तो आने वाले कुछ दिनों में महाराष्ट्र की सियासत करवट ले सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।